हाय गाइस, स्वागत करती हूँ मैं आपका अपने चैनल नेचुरल ब्यूटी वर्ल्ड पे। कैसे हैं आप सब? तो आज मैंने आपको मैनिक्योर बताया था, बट मैं चाहूंगी कि आप इससे भी बेटर जानो अपने हाथों की केयर कैसे करनी है। कि जैसे हाथ काफी फट जाते हैं हमारे, क्यूटिकल साइड के बहुत ज्यादा निकल जाते हैं और बहुत ज्यादा स्किन बहुत हार्ड हो जाती है हाथों की। मैं चाहूंगी बहुत सॉफ्ट हो जाए, तो आप उसके लिए क्या यूज करेंगे? आजकल आपने सुना होगा पैराफिन वैक्स इस टाइम मार्केट में बहुत ज्यादा आ रही है। ये मेरे पास बायोस्पा की पैराफिन वैक्स है, ये मैं लोकल मार्केट से ही लाई हूँ, बट आप ट्राई करोगे तो अमेजोन पे और आपको अपनी मार्केट में कहीं भी आसानी से मिल जाएगी। आप देख सकते हो ये, और इसका प्रोसीजर भी उसी तरह करना है। पहले आप चाहेंगे तो मैनिक्योर कर लेंगे हाथों पे, जैसे मैंने आपको बताया था, गुनगुना पानी, हाइड्रोजन, अमोनिया सब कुछ डालेंगे, अपने नेल्स को क्लीन करेंगे और उसके बाद पैराफिन वैक्स का कैसे यूज करना आप ये करेंगे। जिनकी एड़ियां बहुत ज्यादा फटी होती हैं, एड़ियों में दरारें होती हैं, काफी पेन हो जाता है जब दरारें फटने लगते हैं, उनमें से ब्लड आना भी शुरू हो जाता है कई लोगों के, आपने देखा होगा, और एड़ियां काफी फटी होती हैं। आप पहले से पेडिक्योर कर लोगे पैरों में भी अच्छे से, और उसके बाद पैराफिन वैक्स का यूज करोगे, यह आपके हाथों पैरों को बहुत सॉफ्ट कर देगी और बहुत अच्छा। तो चलिए आज हम देखते हैं कि कैसे करेंगे इसका यूज। इसके लिए हमें क्या चाहिए होगा, सबसे पहले हमें पैराफिन वैक्स लेंगे, उसके बाद हमें एक स्टीमर चाहिए होगा। ये स्टीमर है मेरे पास नॉर्मल वाला है, किसी दिन मैं आपको पूरे टूल्स दिखाऊंगी अपने। ओके, ये ब्रश चाहिए होगी हमें, इसके लिए ग्लव्स चाहिए होंगे, इसके लिए दो ग्लव्स, जिसके पास ये वाले ग्लव्स नहीं है तो वो टॉवल यूज कर सकता है। इसके बाद आप ले लेंगे स्क्रब और क्रीम। अगर आप पूरा मैनिक्योर करना चाहते हैं तो आप उसके लिए स्क्रब, क्रीम और पैक ये सब भी ले सकते हो, और अपने टूल्स लेंगे जो मैनिक्योर में मैंने बताया थे, गुनगुना पानी लेंगे, हाइड्रोजन, अमोनिया, और अगर आपके पास घर में हाइड्रोजन अमोनिया नहीं है तो आप फिटकरी और नमक भी यूज कर सकते हैं, और अपनी ब्लीच का बचा हुआ एक्टिवेटर भी यूज कर सकते हैं। मैं आपको दोनों चीजें इसीलिए बताती हूँ गाइस, कई बार होता है कि आपके पास घर में प्रोडक्ट नहीं होते हैं, तो ज्यादा अच्छा है कि आप अपने प्रोडक्ट यूज कर लें। जैसे घर में फिटकरी हमारे पास सभी लोगों के पास होती है, नमक भी मोस्टली सभी के पास होता है, तो आप वो चीजें यूज कर सकते हो। शैम्पू आप कोई भी डाल सकते हो, कोई भी यूज कर सकते हो, और गुनगुना पानी होना चाहिए, ज्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। ये सब चीजें आप यूज करके अपने पैरों हाथों को बहुत अच्छा कर सकते हो। तो अब हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले मैं हाथों में हैंड्स को डिप करेंगे। डिप करने के बाद इसको 10-15 मिनट रखेंगे, और कोई भी ज्वेलरी वगैरह डाली होती है निकालेंगे, और नेल्स पे नेल पेंट भी हटा देंगे, पूरा क्लीन करेंगे। मैं आज मैनिक्योर कंप्लीट नहीं करके बताऊंगी, आप कर लेंगे इससे पहले आपको करना है तो, मैंने जो वीडियो डाली उसमें मैनिक्योर आप सीख लेंगे अच्छे से, और तब ये मैं हल्का सा क्लींजर ही ले रही हूँ, आपको हल्का सा VLCC के प्रोडक्ट हैं ये सब मेरे पास, आप कोई भी यूज कर सकते हो। मैं हल्का हल्का सभी करके दिखा देती हूँ आपको। ब्रश नहीं है तो जो मैंने कल नॉर्मल ब्रश दिखाया था आप वो यूज करेंगे, और इसी तरीके से अपने पूरे हाथ को अच्छे से वॉश कर लेंगे हाथों को। उसके बाद हम कोल्ड क्रीम लेंगे, स्क्रब लेंगे हल्का सा। मैनिक्योर करने से पहले सारा उसी तरीके से करना है, बट मैं आज आपको पैराफिन वैक्स के बारे में बताऊंगी, इसीलिए हर चीज ले रही हूँ थोड़ी थोड़ी, और पूरा ही कंप्लीट करके ही दिखाऊंगी। वही स्टेप करेंगे जो मैंने आपको बताए हैं कल। फिर से वॉश कर लेंगे अपने हाथों को। इसके बाद हम कोल्ड क्रीम लेंगे, इस तरीके से। सारे प्रोडक्ट में VLCC के यूज कर रही हूँ, आप नॉर्मल कोई भी कर सकते हो। इस तरीके से लेंगे, हल्के हल्के हाथों से मसाज करेंगे।
इनको अच्छे से वॉश कर लेंगे मसाज करने के बाद। तीनों चीजें आप 5-5 मिनट जरूर करेंगे, 5 मिनट स्क्रब, 5 मिनट क्रीम, 5 मिनट लगा के छोड़ेंगे 10 से 15 मिनट अगर आप पैक भी लगाना चाहते हैं तो। वीएलसीसी की किट में सारी चीजें आती हैं। और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब के नीचे जो बेल बटन है उसे जरूर दबाएं, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। अपने इस हैंड से भी करेंगे पूरा, मेन हैंड पे भी कर लेती हूँ। अपने नेल्स को भी अच्छे से क्लीन कर लेंगे। नॉर्मल टूल्स हैं आपके पास तो उनकी मदद से करना। अच्छे से क्लीन कर लेंगे अपने नेल्स, अंदर से भी इनका मैल रिमूव करेंगे अपने क्यूटिकल से, प्यूशर से और क्लीनर से। अंदर से नेल्स को बिल्कुल क्लीन करेंगे। इस तरीके से करेंगे। इसके बाद हम चलेंगे अपना वैक्स सीटर लेंगे और ये पैराफिन वैक्स को कट करेंगे। आप निकाल लोगे जितनी क्वांटिटी आपको चाहिए उतनी निकालोगे। अगर आपका वैक्स सीटर इसी के लिए है तो आप इतना ही रखेंगे, वरना आप इतना निकाल लेंगे अच्छे से। ये मैं थोड़ा सा ही ले रही हूँ, आप देख सकते हो कितना लिया है। वैक्स सीटर को ऑन कर देंगे। ये बहुत अच्छी है, आप अपने पैरों पे लगाएंगे एकदम स्मूथ हो जाएंगे, आपकी दरारें भी बढ़ जाएंगी और स्किन बिल्कुल भी टाइट नहीं रहेगी। इसके बाद मैं बंद कर दूंगी, जितनी है वो साथ के साथ पिघलती जाएगी। और अपने हाथों को लेंगे इस तरीके से, अपने हाथों को लेंगे इस तरीके से और ये ब्रश लेंगे, इसे लगाते चले जाएंगे इस तरीके से। अच्छे से लगा होना चाहिए। अपने नेल्स वगैरह सब पे लगाएंगे ताकि पूरा कवर हो जाए अच्छे से। इस तरीके से पूरे हाथों पे लगा लेंगे अपने, फ्रंट की तरफ, फ्रंट में भी लगाएंगे आप, क्योंकि हथेलियों की स्किन भी बहुत टाइट हो जाती है हमारे। इस तरीके से लगाएंगे। अब हम दूसरे हाथ पे भी लगाएंगे। ये देख रहे हो बिल्कुल पिघल गई है वैक्स सीटर में। ये साथ के साथ आपको लग रहा होगा कि मैं डायरेक्ट निकाल निकाल के गरम गरम लगा रही हूँ, बट इतनी गरम तो होती है लेकिन साथ के साथ हवा लगते ही ये सूख जाती है, तो इसलिए ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। इस तरीके से पूरे हाथों पे लगाएंगे, फ्रंट में भी लगाएंगे। अपने नाखून भी अच्छे से कवर कर लेंगे। इसके बाद हमारा प्रोसीजर आता है, अच्छे से कवर कर लेंगे आपके पास जितनी बची है। आप देख रहे हो मैंने क्वांटिटी उतनी ही डाली थी जितने मेरे दोनों हाथों को कवर कर लिया है। इसके बाद हम क्या करेंगे, आप देख सकते हो ये दोनों को मैंने लगा दिया है। इसके बाद हम ये ग्लव्स लेंगे, ये हमारे पास जरूर होने चाहिए ताकि इसके अंदर थोड़ा सा मॉइस्चराइजर हो जाए। इस तरीके से डालेंगे, हम दूसरे हाथ में भी डालेंगे। ये देख लेंगे इस तरीके से पहनाएंगे। इसके बाद क्या करेंगे, अगर आपके पास ये ग्लव्स नहीं है तो आप टावल ले लेंगे, क्योंकि हम रिजल्ट मिले हम, तो मैं ये इस वाले हाथ में डालूंगी ग्लव्स इस तरीके से। हाथ को इधर रख देंगे आप इस वाले हाथ में, ये हम छोड़ देंगे 5-10 मिनट के लिए और उसके बाद उतारेंगे।
इन्हें हम निकाल लेंगे। इसको इस तरीके से ही पकड़ेंगे और वैक्स के साथ ही निकाल के लाएंगे, हाथों को टाइट पकड़ेंगे, वैक्स के साथ ही निकाल के लाएंगे ग्लव्स को। आप देख रहे हो वापस वैक्स निकल के आ रही है पूरी। पूरी वैक्स ग्लव के साथ खुद ही आ जाएगी हाथ में। आप देखें कितनी आसानी से निकल के आ रहा है। आप देख सकते हो पूरी की पूरी, जैसे हमारा थर्मो हब पैक उतर जाता है उसी तरह ये देखिए, ये पूरी की पूरी हमारी ऐसे कैसे निकल आई है। और हमारे हाथ भी एकदम सॉफ्ट हो जाते हैं, जितना भी मॉइस्चर मिलना होता है सारा वो हो जाता है हमारे हाथों को, और नेल्स में भी एक शाइन आ जाती है अच्छे से। पूरा हटा लेंगे इस तरीके से करके, जितना भी एक्स्ट्रा रह जाता है, जैसे ये है इसको भी रिमूव कर लेंगे। आप जितना पतला लगाएंगे, थोड़ा सा पतला होना चाहिए बट इतना मोटा भी नहीं होना चाहिए कि हाथों पे बेढंगा सा गंदा लगे। एकदम इतनी पतली परत लगाई थी, देखो कितनी इजीली तरीके से निकली है और अच्छे भी लग रहे थे। मैं आपको दूसरे हाथ का भी दिखा देती हूँ। इस तरीके जरूरी नहीं है कि आप पैक लगाओ या कुछ करो, बस अपने हाथों को ऐसे ही छोड़ दें। लाइट मॉइस्चराइजर करना है तो आप लगा सकते हो। आप देख सकते हो कितने अच्छे तरीके से दिख रहे हैं ये, इस तरीके से एकदम सॉफ्ट हो जाएंगे। मैं सेकंड दिखाती हूँ। इस हाथ को भी लेंगे, यहीं से अपना उतारना शुरू करेंगे। ये देखिए पूरा अपने आप निकल के आ जाएगा इजीली। और आपके पास अगर वैक्सीटर नहीं है, ये प्रॉब्लम होती है कईयों को कि मैम मेरे पास टूल्स नहीं है मैं क्या करूं, टूल्स तो बहुत सस्ते आते हैं, 150, 75 या 35 तक के भी आते हैं। आपको सिंगल सिंगल चाहिए होते हैं तो हर तरीके से आप ले सकते हो अगर आप रिजल्ट अच्छा पाना चाहते हो तो। क्योंकि नेल्स के पास हमारे क्या चीज यूज होगी आप बताओ, टूल्स 35 की भी छोटी आती है और एक एक सिंगल सिंगल पीस भी मिल जाएगा आपको, सस्ती किट भी मिल जाएगी, आप कोई भी ले सकते हो। ये देखिए मैंने जितना पतला लगाया था उतनी ही आसानी से उतर रहा है। तो आप ज्यादा अच्छा है कि ब्रश से लगाएंगे, ब्रश से लगाएंगे। और अगर वैक्सीटर नहीं है आपके पास तो आप इसको किसी बर्तन में डालकर गैस पे गर्म करके भी कर सकते हो, इसलिए आसानी से कर लोगे आप। मैं पेडिक्योर की वीडियो भी आपके लिए बनाऊंगी इसी तरीके से। और आप टूल्स ले सकते हो। और आप पूछ रहे थे कि मैम फिंगर में कॉटन क्यों लगाते हैं नेल पेंट के टाइम, हम जब हाथ को इस तरीके से करते हैं तो नेल पेंट एक दूसरे पे टच हो जाती है, कॉटन रखने से हमारी फिंगर के बीच में स्पेस आ जाता है जिसे हम इजीली नेल पेंट लगा लेते हैं। के लिए रिंकल स्किन के लिए आप क्या करोगे, मैं आपके जवाब दे देती हूँ। थोड़े बहुत फेशियल के रिंकल स्किन है जिनकी, तो आप उसमें खास ध्यान दोगे कि एंटी रिंकल्स फेशियल किट होनी चाहिए और उसमें मेन मास्क यूज कर रहे हो, वो टाइटनिंग मास्क होना चाहिए जो स्किन को टाइट कर दे। और आप जो स्टेप कर रहे हो, स्टेप इतने क्लियर होने चाहिए कि आपकी स्किन को ऊपर की तरफ खींचे। जैसे हमारा नेक एरिया होता है हम उसे नीचे की तरफ करते हैं, और हमारा चीक एरिया होता है हम उसे ऊपर की तरफ खींचते हैं। आप फेशियल, मेरे फेशियल वीडियो में आप ध्यान से देखेंगे कि मैंने जिससे हमारी स्किन के आंखों के पास फाइन लाइन आ जाती है, फोरहेड पे आ जाती है या हमारे अपर लिप एरिया पे आ जाती है, तो वो हमारी फेशियल से ठीक हो सकती है बट अपनी मसाज के तरीके से ही ठीक होगी। कि आप उन्हें स्किन टाइटनिंग वाले या थोड़ी सी मसाज इस तरीके से करेंगे जिससे हम स्किन के को रिपेयर कर सकें। तो आप स्किन को रिपेयर करके मसाज करेंगे तो आपका रिंकल्स बहुत कम हो जाएगा 2-3 बार में, और बहुत अच्छी स्किन भी हो जाएगी। फेशियल के स्टेप कर रहे हैं तो हमें रिजल्ट भी बैड ही मिलेगा। और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर जरूर करें। मैं आपको नेल पेंट लगा के दिखाती हूँ इनके हैंड पे। आज मैं विदाउट कॉटन लगा रही हूँ। आप फिंगर को ऐसे खोल लेंगे अगर आपके पास कॉटन है, नहीं और ज्यादा वेस्ट नहीं करनी आपको। उसी तरीके से लगाएंगे। इसी तरीके से लगाएंगे। और आपके कोई भी सवाल है तो मैं आपको आगे से अपनी वीडियो में ही कमेंट में दे दिया करूंगी। जैसे कि आपने पूछा था कि मैम रिबॉन्डिंग कैरेटीन या रिबॉन्डिंग में 2-3 बार प्रेसिंग करते हैं, रिबॉन्डिंग में और स्मूथनिंग में और कैरेटीन में क्या फर्क है, कि आप रिबॉन्डिंग में 2 बार प्रेसिंग करेंगे,
स्मूथनिंग में एक बार प्रेसिंग करेंगे, और केराटिन में हम एक ही बार प्रेसिंग करते हैं, वो भी लास्ट में, लास्ट से पहले जो हम प्रोडक्ट यूज करेंगे तभी प्रेसिंग करेंगे, अदरवाइज उसमें नहीं करेंगे। तीन बार प्रेसिंग हम अपने किसी भी प्रोसीजर में नहीं करते। इस तरीके से देख लेंगे आप। ओके, थैंक यू। मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर जरूर करें।